महाकुंभ के अलग अलग रंगों में से एक रंग है कंदमूल फल के। ये दुर्लभ फल सिर्फ माघ मेले में ही भक्तों को मिलते हैं। ये वही कंदमूल है जो भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास के दौरान खाए थे, और अब आपको भी इसे खाने का सौभाग्य मिल सकता है। इसके लिए आपको जाना होगा कुंभ मेले में। फल के पीछे हैं कई मान्यताएं, जिस फल में छुपी हैं कई कथाएं। ये फल किसी चमत्कार से कम नहीं। इस फल को खाकर भगवान राम ने बिताए थे 14 साल। वो फल है कंदमूल, इंसानी कद जितना लंबा, रंग है नारंगी, मुंह में घोल देता है मिठास। चित्रकूट के जंगल में 14 साल वनवास के वक्त भगवान श्री राम ने इसी फल को खाकर वक्त बिताया था। ये वही दुर्लभ फल है कंदमूल। श्रद्धालुओं के लिए खास तौर से चित्रकूट जंगल से इसे यहाँ बेचने के लिए लाया गया है। कंदमूल फल है, चित्रकूट पहाड़ से आता है। यहाँ कुंभ के मेले में आया है, बिकने के लिए हम लोग लाते हैं, हर साल आते हैं, हर साल बेचते हैं। इसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए बेचते हैं। धर्म ग्रंथों में इस फल के बारे में पढ़ चुके लोगों के लिए ये एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोग इसे देखने के साथ साथ चखना भी चाहते हैं। इस युग में सतयुग का फल खाकर लोग अपने आप को धन्य मान रहे हैं। इसकी एक खासियत जो मेरे बाबा ने मुझे बताई कि अगर इसको उबाल दो, पूरा का पूरा उबाल दो, उसमें एक सिक्की डाल के अगर आप हिला दोगे तो पूरा पूरा ये चावल के दाने के जैसे अपने आप छितर जाता है। अच्छा। जी तो ये अच्छा लग रहा है, बहुत दुर्लभ है, यहाँ मिल रहा है, कैसा लग रहा है? जी यहाँ पे ही मिलता है, इसके अलावा मुझे कहीं मिला भी नहीं। जब भी माघ मेला में आता हूँ खाता जरूर। कंदमूल का जिक्र सिर्फ रामायण और सुंदरकांड में ही मिलता है। सतयुग में मिलने वाला कंदमूल जैसा दुर्लभ फल खाने का अवसर सिर्फ इस महाकुंभ मेले में ही मिल रहा है। इलाहाबाद के कुंभ मेले में भगवान राम द्वारा खाए गए कंदमूल फल मिल रहा है, जो कि चित्रकूट के जंगलों में उन्होंने वनवास के दौरान खाया था, और श्रद्धालु इसे बड़े चाव से यहाँ खा रहे हैं। उनको लग रहा है भगवान राम ने ये फल खाकर जब पूरा 14 वर्षों का वनवास बिताया तो हम यहाँ कुंभ के मेले में इसे जरूर खाएंगे। कैमरामैन राकेश चंद्रा के साथ कंचन सिंह, सहारा न्यूज ब्यूरो, इलाहाबाद।